से मन का पंखेरू, गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूं क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूं क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, आंखों से सबको प्रभु मिलन की सुंदर घड़ियां। बाबा अपना सब कुछ देने के लिए वतन में इंतजार कर रहे हैं। मैं चमकती हुई मणि, मस्तक मणि, तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं।
मैं इस दहेज से न्यारी हूं। दहेज जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। मैं परम पवित्र हूं, मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे निकली हुई शक्तियों की लाल किरणें मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही हैं। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन।
आत्मा यहाँ से उड़ चली अपने परम धाम। ये मेरा घर, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। यहां गहन शांति है। यहाँ की शांति मुझ में समाने लगी, चित शांत होने लगा। ऊपर निराकार शिव बाबा सृष्टि के बीच मास्टर ज्ञान सूर्य शिव बाबा निहारे उन्हें, वे सर्वशक्तिमान उनकी तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही है। वे सत्यम शिवम सुंदरम है। ये वही है जिनके दर्शनों के लिए हम युगों से प्यासे थे, जिन्हें हम एक बार देखना चाहते थे। जी भर के देख लें, बहुत तेजस्वी स्वरूप
है बाबा का। मन भावन स्वरूप इन्हें देखते ही रहे। वे मेरे परम प्रिय खुदा दोस्त मन को राहत देने वाले प्यार के सागर अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसाने वाले वे शांति के सागर हैं, उनकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, विकर्मों को भस्म कर रही हैं।
वे पवित्रता के सागर हैं, पतित पावन हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। सभी विकारों को नष्ट कर रही है। यहां से मैं आत्मा अवतरित हुई अपनी देह में, मैंने अनेक शरीर लिए छोड़े हैं। पांच हजार वर्ष की लंबी यात्रा पूरी की। आदि में मैं देव स्वरूप में थी। सामने लाए अपना देव स्वरूप, तब मैं संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण थी। सोने के महल थे, अपार धन संपदा थी। इस पवित्र स्वरूप में देवत्व से भरपूर स्वरूप में 21 जन्म लिए। चौरासी का चक्र पूर्ण करके मैं भी शरीर में आ गई। बहुत भाग्यवान प्रभु मिलन की अधिकारी, उसकी पालना में पलने वाली। कभी सोचा भी नहीं था कि उसके इतने समीप आ जाएंगे।
हम उसे अपना कहेंगे। मैं फरिश्ता हूं, आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी है। अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। मेरे चारों ओर पवित्रता का बहुत तेजस्वी आभा मंडल है। यहां से मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश के पार सूक्ष्म लोक में, ये फरिश्तों की दुनिया यहां चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है, मानो अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो। परमानंद है, सामने देखें बाप दादा विराजमान हैं अपने तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच। बहुत बहुत तेजस्वी स्वरूप, मस्तक में महाज्योति चमक रही है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं,
अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हाथ से बहुत सुखदायी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। परम सदगुरु का हाथ सिर पर, मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिए, बच्चे सदा सुखी व माया जीत विजयी। श्रेष्ठ योगी भव, विश्व कल्याणकारी भव, और ले लें जो वरदान चाहे, परम सद्गुरु सब कुछ देने को तत्पर हैं। स्मृति दिलाई, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तुम इस धरा पर चमकते सितारे हो, तुमसे ही ये जग रोशन है। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो, शिव की शक्ति हो, तुम इस जान के नूर हो। यदि तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। दृष्टि दे रहे हैं,
और दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता गया ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर। मैं विश्व कल्याणकारी पूर्वज सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है।